नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। हिंदुस्तान की राष्ट्रीय राजनीति में छात्र राजनीति को राजनीति की नर्सरी कहा गया है। हिंदुस्तान के अंदर एक से बढ़कर एक संवैधानिक पदों पर छात्र राजनीति करने वाले दिग्गज रह चुके हैं। छात्र राजनीति ने देश को प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक दिए हैं। लेकिन बीते वर्ष छात्र संघ चुनाव पर लोकसभा चुनाव 2019 का हवाला देकर उसे रोकना लोकतंत्र की हत्या करना जैसा था। जाहिर है छात्र संघ चुनाव छात्र हित में देखते हुए कराने बेहद जरूरी है, लेकिन इस चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करना सही समझा। इसी के साथ प्रदर्शन के दौरान नेगेटिव मार्किंग हटाने के लिए भी विरोध किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र संघ अध्यक्ष देवेश राणा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डीएन कॉलेज सम्राट मलिक, प्रदीप कसाना, कुंडा छात्र नेता सीसीएसयू ने किया। प्रदर्शन के बाद छात्र वीसी के पास पहुंचे, जहां वीसी नरेंद्र कुमार तनेजा ने कहा कि अगर किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होंगे तो वो भी यहां पर छात्र संघ चुनाव अवश्य कराएंगे, जिस पर छात्रों ने दो दिन के भीतर स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा है। छात्रों का कहना है कि यदि दो दिन में छात्र संघ चुनाव और नेगेटिव मार्किंग हटाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वो भूख हड़ताल के लिए भी तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। नमस्कार।